सोलन सब्जी मंडी का मंत्री रामलाल मार्कंडेय ने दौरा किया। इस सब्जी मंडी में अब किसानों को हर सुविधाएं मिलेंगी, इस बात का दावा मंत्री रामलाल मार्कंडेय करते हुए नजर आए, जिसके पहले दौर में सब्जी मंडी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए पेवर्स लगाए जा रहे हैं। गौरतलब बात यह है कि सब्जी मंडी में अभी किसानों को शौचालय और रहने की अच्छी सुविधाएं नहीं है। सोलन सब्जी मंडी का मंत्री रामलाल मार्कंडेय ने दौरा किया। इस सब्जी मंडी में अब किसानों को हर सुविधाएं मिलेंगी, इस बात का दावा मंत्री रामलाल मार्कंडेय करते नजर आ रहे हैं, जिसके पहले दौर में सब्जी मंडी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए पेवर्स लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि सब्जी मंडी में अभी किसानों को शौचालय और रहने की अच्छी सुविधाएं नहीं है। फोरलाइन निर्माण के चलते सोलन सब्जी मंडी में पानी का एक कनेक्शन था, वे कई महीनों से टूटा पड़ा है। सब्जी मंडी लाखों का पानी बाहर से खरीद रही है। सब्जी मंडी के सचिव ने इसके बारे में कई बार अधिकारियों को अवगत करवाया था, लेकिन अभी तक सब्जी मंडी पानी का कनेक्शन तक नहीं लग पाया। इस बारे में जब मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके समक्ष ये बात आ चुकी है, वे इसके बारे में अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि एक माह के भीतर ये सभी सुविधाओं को किसानों को उपलब्ध करवाई जाए। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं पिछली बार ही सब्जी मंडी में आया था। आप देखेंगे हमने सारा इसको वैसे 75 लाख रुपए दे चुका हूँ, छत चेंज कर रहे हैं, सारा को काम नए काम शुरू कर रहा हूँ। मैं हैंडपंप के लिए, स्वच्छ टॉयलेट्स के लिए बोल गया था, आज देखूंगा कमी हो तो उसको निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, सच्चाई है कि हमने जो फोर लाइन के चक्कर हमारा काम बाधित हुआ है। आज ही मैं इसीलिए व्यक्तिगत आया हूँ, आदरणीय सहजल जी को लेकर आया, कभी था कि 2-3 बार मुझे कहा कि हम चाहते हैं दो कुछ समस्या है, आज मौके पर देखना चाहूंगा मैं और हमारे मार्केटिंग बोर्ड के मेंबर्स हैं, चेयरमैन है, आज मौके करेंगे और जो भी होगा एक महीने के अंदर टॉयलेट जो पानी है उसको ठीक करेंगे। वो सारा टेंडर हो चुका है, उसमें कारण वही था फोर लेन का चक्कर। अगर आप देखेंगे उस साइड को हम देखेंगे आज, वो फोर लेन के ही किस कारण बाधित हुआ, अन्यथा हम टेंडर हो चुका है, सारा काम शुरू करने वाले हम लोग, बहुत जल्दी काम शुरू होगा। जब आपका सोलन में मंत्री बनने के बाद पहला दौरा हुआ था तो आपने सोलन के किसानों को एक वायदा किया था कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट देंगे, लेकिन अभी तक कुछ उस पर उसमें बिल्कुल हमने कार्रवाई कर दिया है, सारा DPRDR हम टेंडर करने वाले हैं बहुत जल्दी। कहाँ लगेगा? हम दो जगह लगाने वाले हैं, एक सोलन के अंदर लगाने वाले हैं, एक हम परमाणु केंद्र की बात चर्चा कर रहे हैं। अभी हम आदरणीय सहजल जी ने एक माननीय मुख्यमंत्री मोदी से धर्मपुर में की घोषणा किया है, हम वहाँ भी सोच रहे हैं कि किसानों को बाई प्रोडक्ट जो है वैल्यू एडिट कैसे होना चाहिए। अब नया सब्जी मंडी का हम पीपी मोड में कम कोशिश करें कि सोलन कंडा घाट में जो वहाँ है पीपी मोड में लगे, हम बाई वैल्यू एडिट कैसे कह सकते हैं, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये था आजमगढ़ का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ, आप ऐसे ही जुड़े रहिए एजुडे के साथ। नमस्कार।